हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू छोले की सब्जी। आलू छोले की सब्जी के लिए मैंने 250 ग्राम काबुली चने लिए हैं, रात भर भिगो के सुबह 7 से 8 सीटी लगा के 2 बॉयल आलू लिए हैं। अब हम कढ़ाई में 2.5 स्पून सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये आलू छोले की सब्जी की बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। घर पर अवेलेबल इन्ग्रीडियंट से ही बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। सरसों का तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून राई, 3 बारीक कटे हुए प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। ये रेसिपी बिना छोला मसाला डाले बिना बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसे बनी रेसिपी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज जितने फ्राई हो रहे हैं, हम मसाला डालने के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, एक बाउल में हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 पिंच हींग। अब हम पानी ऐड करके मसाले को घोल लेंगे अच्छे से। मसाला घोल के डालने से सब्जी का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। प्याज भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम ये मसाला ऐड कर देंगे इसमें। मसाला पक चुका है। अब हम बॉईल आलू को मैश करके डाल देंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे। ये आलू छोले की सब्जी भटूरों के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं भटूरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मैंने छोले भिगोते वक्त उसमें 1 मुट्ठी काले चने भिगो दिए थे, इससे आलू छोले की सब्जी और भी टेस्टी बनती है। अब हम इसमें बॉईल काबुली चने ऐड कर देंगे। और मैंने काबुली चने बॉईल करते वक्त आरओ का पानी यूज़ किया था, और उस पानी को फेंकिएगा मत, सब्जी में डालने के काम आएगा वो। अब हम इसमें 1 बाउल जितना पानी ऐड करेंगे, बॉईल पानी था जो, और हम इसे ठीक होने तक पकाएंगे सब्जी को। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड।